नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विपिन और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार तैयारी विद विपिन में। तो दोस्तों आज है 28 सितंबर 2020 और हम बात करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हर एक वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। इसके अलावा अगर आप में से कोई मेरी मैथ की क्लास करना चाहता है तो मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूँ और फ्री क्लासेज है। इन क्लासेस का कोई पेमेंट नहीं करना है आपको। तो अगर अभी तक आपने मेरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लास अटेंड नहीं की है और आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, जो कि आपको आपके प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। SSC गोल सेलेक्ट करिएगा और एजुकेटर सर्च बॉक्स में मेरा नाम टाइप करिएगा विपिन शुक्ला। आप मुझे सर्च करेंगे तो मेरी प्रोफाइल ओपन होगी, मुझे फॉलो करिए और पर डे यहाँ पे शाम को 4 बजे हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स की बात करते हैं। चैप्टर वाइज डिटेल क्लास होती है, इस क्लास को आप वहाँ से अटेंड कर सकते हैं। बाकी इस चैनल पे आपको जो भी करंट अफेयर्स और GS के जितना भी कंटेंट मुझसे हो पाएगा वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स को जो हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है कि पद्मश्री और किस पुरस्कार से सम्मानित मशहूर गायक SP बाला सुब्रमण्यम का हाल ही में 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो दोस्तों बाला सुब्रमण्यम की अगर हम बात करें तो ये हमारे मशहूर गायक थे। कौन थे ये? सिंगर थे। इन्होंने तकरीबन 40,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। कितने हजार से ज्यादा? 40,000 से ज्यादा सॉन्ग इन्होंने गाए हैं। संजय दत्त, कमल हसन, सलमान खान, इन सबकी जो मूवीज हैं इनके मैक्सिमम जो सॉन्ग हैं वो बाला सुब्रमण्यम साहब के द्वारा ही गाए गए हैं। ये 52 वर्ष की उम्र में थे। इनको 2 पुरस्कारों से नवाजा गया है। एक पुरस्कार का नाम आपके सामने लिखा हुआ है पद्मश्री, और दूसरे पुरस्कार की अगर हम बात करें तो दूसरा पुरस्कार था इनका दोस्तों पद्म भूषण। यानी कि इनको 2 अवार्ड टोटल मिले हैं, एक पद्मश्री एक पद्म भूषण। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक ऐसे सिंगर थे जो किसी एक सिंगल लैंग्वेज में गाना नहीं गाते थे, इनको टोटल 6 लैंग्वेज आती थी। यानी कि इन्होंने 6 अलग अलग भाषाओं में 40,000 से ज्यादा सॉन्ग गाए हैं। तो चलिए ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसका निधन हुआ? बाला सुब्रमण्यम जी का। इनको 2 अवार्ड मिले थे, एक पद्मश्री और एक पद्म भूषण। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इनमें से किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने स्टूडेंट्स को संक्रमण से बचाने के लिए बुक सैनिटाइजिंग मशीन विकसित की है। तो आप सबको पता है कि ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में एक कोरोना यानी कि COVID-19 की बीमारी है जिससे हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान हो। तो कोरोना से बचने के लिए स्टूडेंट्स को कैसे संक्रमण से बचाया जाए, इसके लिए एक यूनिवर्सिटी है जिसने बुक सैनिटाइजिंग मशीन डेवलप की है। सबसे पहले मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम बता देता हूँ। तो वो यूनिवर्सिटी है दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। ये मेघालय में है। मेघालय में कहाँ पे है? तो मेघालय के शिलोंग में है। दोस्तों इन्होंने एक ऐसी मशीन डेवलप की है जो एक राउंड में तकरीबन 45 मिनट का टाइम लेती है और इस 45 मिनट में ये तकरीबन 150 बुक्स को एक साथ सैनिटाइज करती है। और इस मशीन की जो कॉस्ट आती है वो पर बुक केवल 20 पैसे ही आती है। तो ये एक अच्छा कदम है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी का कि भाई उन्होंने एक ऐसी मशीन डेवलप की है जो आपकी सारी बुक्स जितनी भी हैं उन सबको सैनिटाइज करती है। तो याद रखिएगा यूनिवर्सिटी का नाम नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। कह रहा निम्न में से किस निजी दूरसंचार कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का केस जीत लिया है? तो सबसे पहले मैं उस कंपनी का नाम बता दूंगा। दोस्तों जो टेलीकॉम कंपनी है वह वोडाफोन। आप सबको पता होगा कि आपके इंडिया में जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है ये अगर यहाँ पे काम कर रही है तो ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है। वोडाफोन ने दाहेद कोर्ट में अपना केस जो है वो खारिज दर्ज किया था। 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात की गई थी कि भारत सरकार ने वोडाफोन के जो टैक्स पे कर रहे हैं लोग उसमें 20,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी हो रही है। दाहेक ने इस बात को स्वीकार भी किया। उन्होंने इस बात को माना कि भाई जो भारतीय टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने निष्पक्ष और बराबरी से काम नहीं किया है, जिसकी वजह से ये घोटाला सामने आया और ये 20,000 करोड़ रुपए का जो केस था ये वोडाफोन टेलीकॉम कंपनी जीत गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इफ्फी के कौन से संस्करण का आयोजन नवंबर में स्थगित करते हुए अगले वर्ष 16 से 24 जनवरी तक आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो आप में से अगर कोई इफ्फी को ना जानता हो तो दोस्तों इफ्फी जो है, इफ्फी है आपका भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसमें इंडिया की जो मूवीज हैं इनपे कौन बेस्ट मूवी, कौन बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, इन सबका अवार्ड दिया जाता है। इसका अब की बार 51वां संस्करण होना था। कौन सा? 51। लेकिन जो 51वां संस्करण है ये कोरोना के चलते स्थगित किया गया है और अब ये जो संस्करण है ये होगा 16 से 24 जनवरी 2021 में।
तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन से संस्कार का आयोजन नवंबर में स्थगित करना किया गया है, तो आपको यहाँ से बताना होगा 51वें संस्कार का। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि केंद्र सरकार ने कितने राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज की मंजूरी दे दी है। तो पहले तो मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता देता हूँ दोस्तों, राइट आंसर है आपका 5 राज्य। तो याद रखिएगा केंद्र सरकार ने हाल में ही 5 राज्य, अब मैं अगर इन 5 राज्यों की बात करूं तो इसमें सबसे पहले है आंध्र प्रदेश एपी, सेकंड नंबर पे तेलंगाना है जो हैदराबाद से अलग होकर एक राज्य बना, तीसरे नंबर पे दोस्तों गोवा है, चौथे नंबर पे दोस्तों कर्नाटक है और पांचवें नंबर पे त्रिपुरा है। ये वो 5 राज्य हैं। इन 5 राज्यों को खुले बाजार से, खुले बाजार का मतलब ओपन मार्केट से 9,913 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज की मंजूरी दे दी गई है, कि यानी कि इनको 9,913 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा लोन दिया जाएगा और इन राज्यों को यह मंजूरी वन नेशन वन राशन कार्ड के कार्यान्वयन की शर्त के बाद दी गई। एक योजना पीएम मोदी ने रिसेंटली लॉन्च की है, वन नेशन वन राशन, यानी कि एक राष्ट्र और एक राष्ट्र में सबको एक तरीके का राशन मिले। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया है, इन्होंने केंद्र सरकार ने यानी कि मोदी सरकार ने टोटल 5 राज्य ऐसे हैं जिनको एक्स्ट्रा 9,913 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कर्ज की मंजूरी दी है। 5 राज्य के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि कितने राज्यों को अतिरिक्त कर्ज की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा ये है कि ऐतिहासिक गेम चेंजर श्रम कानूनों के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से संसद ने कितने श्रम संहिताएं पारित कर दिए हैं। तो दोस्तों पहले तो इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर आपको बता दें, तो टोटल 3 श्रम संहिताएं हैं जिसको ऐतिहासिक गेम चेंजर श्रम कानूनों के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से संसद ने हाल ही में इन तीनों को पारित किया है। इसमें से कौन कौन है, तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूं तो सबसे पहले है औद्योगिक संबंध संहिता, एक तो हो गया आपका औद्योगिक संबंध संहिता, 3 कानून है टोटल। सेकंड की बात करें तो व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य, ये हो जाएगा आपका व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य, और अगर तीसरे की हम बात करें तो तीसरा है दोस्तों सामाजिक सुरक्षा। तो अगर आप ये यही याद कर पाते हो कि वो 3 कौन कौन सी आपकी योजनाएं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल आपकी 3 ऐसी श्रम संहिताएं हैं जिनको इनका जो इनके अंदर के कानून हैं इन कानूनों को सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए, इस उद्देश्य से संसद ने इनमें 3 संहिताएं जो है वो पारित कर दी है। चलिए आगे अगले पॉइंट की बात करेंगे, 7 नंबर पॉइंट। 7 नंबर पॉइंट दोस्तों ये है कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए केएल राहुल आईपीएल में सबसे तेज कितने 1,000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। 2 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। पहले तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ के कौन सा वो भारतीय बल्लेबाज है जो आईपीएल में सबसे तेज और रन आपसे दे देगा कि इतने 1,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी है, तो आपको बताना होगा केएल राहुल। दूसरी चीज, किंग्स 11 पंजाब से खेलते हैं, आपको पता होगा कि सीजन चल रहा है आईपीएल का और यकीन मानो जो आगे आने वाला आपका रेलवे का एग्जाम है, इस रेलवे के एग्जाम में आईपीएल से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो 2000 रन सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए केएल राहुल आईपीएल में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर की अगर हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है वो था टोटल 63 पारी, इन्होंने 63 पारी खेली थी तब जाके 2000 रन बनाए थे। और अगर हम राहुल की बात करें तो राहुल ने 60 पारियों में, कितने पारियों में, 60 पारी इन्होंने खेली है और 60 पारी में इन्होंने 2000 रन बनाए हैं जो कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके अलावा अगर हम आपसे ये पूछें कि आईपीएल में सबसे तेज 2000 रन किसने बनाया है, तो आप सबको पता होगा कि आईपीएल में वेस्टइंडीज का तूफानी ताबड़तोड़ बल्लेबाज कौन, क्रिस गेल सबसे ज्यादा सबसे फास्ट 2000 रन बनाने वाला खिलाड़ी है। इन्होंने केवल 48 मैचों में 2000 रन पूरे किए थे। तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। क्रिस गेल को मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, बाकी इस क्वेश्चन में आपको याद रखना होगा 2000 रनों का रिकॉर्ड तोड़ा है केएल राहुल ने जो किंग्स इलेवन पंजाब से खेलते हैं। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है, सचिन तेंदुलकर ने 63 पारियों में 2000 रन बनाए थे जबकि राहुल ने, ये केएल राहुल का है, केएल राहुल ने केवल 60 पारियों में 2000 रन बनाए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि वेस्ट इंडीज की स्टेफनी टेलर महिला T20 में 3000 रन बनाने वाली कौन सी खिलाड़ी बन गई है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं ये सेकंड नंबर की खिलाड़ी है, दूसरी खिलाड़ी है वेस्ट इंडीज की स्टेफनी टेलर महिला T20 में 3000 रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई है, जबकि
T20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक रन बनाने वाले पुरुष और महिला खिलाड़ी में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया सबसे अधिक रन बनाने वाले, T20 की बात हो रही है याद रखना, वनडे की बात नहीं, T20 का मतलब जो आपका 20-20 ओवर का मैच होता है 2020। इस 2020 मैच में अगर पुरुष और महिला दोनों को मिला लिया जाए तो सबसे फास्ट जो रन बनाया है पहले स्थान पर जो है वो है न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड ये देश है और इन खिलाड़ी का नाम है सूजी बेट्स, सूजी बेट्स, सूजी बेट्स पहले स्थान पे हैं। सेकंड नंबर की बात करो तो वेस्ट इंडीज के स्टेफनी टेलर हैं, ये सेकंड नंबर पे हैं जिन्होंने T20 में 3000 रन बनाए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये पूछा गया है कि योग ब्रेक प्रोटोकॉल से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किसने हाल ही में योग हेतु अवकाश यानी कि योग ब्रेक की शुरुआत की है। अब क्या होगा, जैसे अभी तक अलग अलग छुट्टियां होती थी वैसे ही अब योगा करने के लिए भी अवकाश होगा। और आपसे पूछ रहा कि कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसने इसकी शुरुआत की है, तो पहले तो मैं आंसर बता दूंगा आपको, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने हाल ही में योग ब्रेक प्रोटोकॉल से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए योग हेतु अवकाश की शुरुआत की है। आयुष मंत्रालय ने MDENYE के साथ मिलकर 2019 में 5 मिनट का योग ब्रेक प्रोटोकॉल किया था, यानी कि ये 2019 में एक बार किया जा चुका है, कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। लेकिन अब तैयारी ये है कि परमानेंटली योग हेतु अवकाश दिया जाए, एक दिन की छुट्टी दी जाए और उस दिन सभी लोग योग करें। किस मंत्रालय ने इसको डिसाइड किया है, आयुष मंत्रालय ने। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, 10वें नंबर पॉइंट के अगर दोस्तों हम बात करें तो पूछा जा रहा है 26 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व मूक बधिर दिवस, विश्व मूक बधिर दिवस 26 सितंबर को विश्व भर में मनाया गया। और इस बार इसकी जो थीम थी वो थी वर्ल्ड डीप डम्ब डे, इसको इंग्लिश में वर्ल्ड डीप डम्ब डे भी कहते हैं। और सॉरी इसकी थीम नहीं थी, इस बार कोई थीम नहीं रखी जाती है इसकी, बस नॉर्मली इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इस बार इसकी कोई थीम नहीं थी। अच्छा, इसको मनाने का उद्देश्य क्या था, तो इसको मनाने का उद्देश्य दोस्तों बस यही है कि जो मूक बधिर हैं, जो लोग बोल नहीं पाते हैं, उनको सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के प्रति उनके अंदर एक जागरूकता उत्पन्न की जाए, इसीलिए इसको मनाया हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखिएगा 26 सितंबर मूक बधिर दिवस। तो ये थे आज की डेट के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स। अगर आप में से कोई मुझे अनअकैडमी प्लस पे फॉलो करना चाहता है तो यू कैन ज्वाइन विद अस ऑन अनअकैडमी प्लस। आपको वहां पे कोर्स परचेज करना होगा, एक साल का जो SSC का कोर्स है वह दोस्त 6000 रुपए। अगर आप डिस्काउंट पाना चाहते हो तो आपको मेरा कोड यूज करना होगा, कैपिटल लेटर में VIPIN18 जब आप यूज करोगे तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो 6000 का कोर्स है ये आपको हो जाएगा 5400 का। कई सारे बेनिफिट है, किसी भी एजुकेटर को पढ़ सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, आसानी से एक प्रॉपर वे में अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे कल फिर से करंट अफेयर्स के एक सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुलाकात होगी आपसे कल। थैंक यू सो मच।